वेलकम टू सपनों का ज्ञान। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल सपनों का ज्ञान पर स्वागत करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो है सपने के अंदर भूख लगना। अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर भूख देखे या उसको बहुत ज्यादा भूख सता रही हो तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर किसी मृत्यु, किसी टेंशन या किसी चिंता की खबर पाएगा और उसकी वजह से कोई ऐसे कपड़े पहनेगा जिसकी वजह से इसके ऊपर लालच, भूख या फिर प्यास पड़ेगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखता है कि वो खुद भूखा है या किसी भूखे को खाना खिला रहा है, अगर सपना देखने वाला सेहतमंद तंदुरुस्त व्यक्ति है तो इसका मतलब है बीमार होगा और अगर बीमार है तो उसकी मृत्यु होगी। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि वो भूख की वजह से उसके पेट में पेन हो रही है या प्यास की वजह से उसको तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय पर उसको रुपया पैसा और माल और दौलत मिलेगी या उसे कोई खजाना उसके हाथ आएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर देखे कि वो एक लंबी तवील भूख में मुबतला है या फिर वो फाके पर फाके कर रहा है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले को बहुत जल्द कोई अच्छा काम, कोई अच्छा बिजनेस मिलेगा या अगर वो जॉब या बिजनेस कर रहा है तो उसमें इंप्रूवमेंट पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सपने के अंदर ये देखे कि वो भूख की वजह से अपने कपड़े नहीं तब्दील कर पाता या वो भूख की वजह से उठकर चल भी नहीं पाता तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर अपने धर्म के अनुसार अपनी लाइफ को बिताएगा। और अगर कोई व्यक्ति जाड़े के समय पर यह देखे कि वो भूखा है तो इसका मतलब है कि वो परेशानी में मुबतला होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।